मैम कौन सी बुकलेट में है? भाई जो तुम लोग के पास बुकलेट है ना, वो मुझे नहीं पता कि उनमें कौन से बुकलेट में है। मैम मेरी वाले में तो है ही नहीं है एनालिटिकल। मैम मेरे पास है बुकलेट नंबर सबसे हाँ तुम्हारी वाली में नहीं होगा, देखना ऊपर में बुकलेट नंबर में। कोई ना, ये तो बहुत जगह मिल जाएगा, तुम कहीं से पढ़ लेना। एन नंबर ऑफ सोर्स होते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। ये तो पढ़ाने की भी चाहिए थी मुझे, लेकिन पढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में मैं मोटा मोटा तुम्हें समझा देती हूँ कि एटम की फॉर्म में सबसे पहले तो इसको हम चेंज कर लेते, जो हमारा इसमें हैवी मेटल हमें करने। मान लो मेरा कोई भी वाटर का सैंपल है, ठीक है, तो जब मैं उसको उसके अंदर रखूंगी पूरा, तुम देखोगे ना गूगल पे पिक्चर, तो तुम्हें दिखेगा कि एक सेकंड मैं देखती हूँ कहीं दिख जाए। कहाँ गए तुम लोग? ये दिख रहा है तुम्हें? ये देखो इस तरीके से होता है, ये इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट रहता है, देख पा रहे हो ना? ठीक है, इसके अंदर सैंपल रखते हैं, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी मैं देख लेती हूँ। बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है ये, वैसे कॉलेजेस वगैरह में तो यूज भी नहीं करने देंगे, अगर होगा भी तो। से दिखा देते हैं। देखो ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं, देखो एक ना इसके अंदर होलो कैथोड लैंप होता है। वो होलो कैथोड लैंप किस चीज का बना होता है? जो भी एलिमेंट हमें डिटेक्ट करना है ना, उसके अंदर हम वही इंसर्ट करते हैं होलो कैथोड लैंप, उसी मेटल का। ठीक है, जो डिटेक्ट करना चाह रहे हो उसी को हम, उसी का ही होलो कैथोड लैंप, उसके अंदर उसको बार बार हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जो भी तुम्हें एलिमेंट हैवी मेटल तुम्हारा एनालाइज करने का तुम्हारा मेन पर्पस है, इसीलिए आजकल डबल एएस की जगह क्या आ गया, आईसीपी आ गया है। ठीक है, क्योंकि डबल एएस में ऑब्वियसली उसको चेंज करने का टाइम लगेगा। तुम यहाँ देख रहे हो ना, ये क्या है, चॉपर है, चॉपर। ये चॉपर का क्या मतलब है, ये जो हमारा सैंपल है ये इसको एटम की फॉर्म में चेंज करेगा, बर्नर भी है यहाँ पे, ठीक है, चॉप कर देगा उसको, एटम्स की फॉर्म में कर देगा। फिर मोनोक्रोमेटर का क्या काम होता है कि एक ही हमारी क्या जाएगी, बीम जाएगी वहां से, ठीक है, उसके बाद लेंस लगे होता है, फिर डिटेक्टर डिटेक्ट होके ना यहाँ पे साइड में कंप्यूटर लगाता है, उसके ऊपर सारी चीजें आ जाती है। इस तरीके से होता है, इसको एक बार तुम पढ़ोगे ना, जहां से भी तुम लोग पढ़ रहे हो, ऐसी बहुत सारी पीडीएफ में मिल जाएंगी तुम्हें, उसके ऊपर भी गूगल पे, तो पढ़ लेना इनको ना एक बार प्लीज। okay, तो ये होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, और इसका एक एडवांस वर्जन आया जिसको हम बोलते हैं आईसीपी। क्या होता है आईसीपी की फुल फॉर्म? इंडक्टिवली इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा। ठीक है, ये जिनके पास नई बुकलेट है उनके पास तो है, उसमें तो दिया हुआ है ना, काफी अच्छे से दिया हुआ है। yes, ये होता है। इसके बाद एक होता है हमारा एक्सआरएफ। एक्सआरएफ का क्या मतलब होता है? एक्सरे रिफ्रैक्शन फ्लोरोसेंस। ठीक है, इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव, ये चीज को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था एक बार। एनालिटिकल टेक्निक नॉन डिस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है बेटा, कि इसमें किसी चीज का डिस्ट्रक्शन नहीं होता। जैसे हमने डबल एस में भी देखा ना, उसको एटम के फॉर्म में वो चेंज कर रहा, तो डिस्ट्रक्शन कर रहा है ना, लेकिन इसके अंदर किसी भी चीज का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल टेक्निक। ठीक है, टू नो द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, यही है मैम? हाँ जी बिल्कुल।
फिर एक आता है हमारा एक्सआरडी, एक्सआरडी क्या होता है हम जिसमें हम ब्रेक करते हैं, हाँ एक्सरे डिफ्रेक्शन। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें एकदम पता चल जाए, तो ये कुछ टेक्निक्स थी हमारी, एक दो और होती है सेम टाइम, ये सारी चीजें ना एक बार उसको पढ़ लेना, थ्योरेटिकल पार्ट है, इनमें समझाने वाला कुछ है नहीं, ऐसे एक आधा क्वेश्चन में हम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर दो और देर होंगी। सैम और टैम, सैम क्या होती है, स्कैनिंग एक्सरे डिफ्रेक्शन, क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए होती है। सैम और टैम ये दोनों भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो एक क्वेश्चन बताओ मुझे, दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, भी है 10 मिनट का टाइम। द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या होता है ये बताओ मुझे जल्दी से, लिखा है मैंने अभी, एंट्रोपी एंथैल्पी, एंथैल्पी होता है ना, एक और न्यूमेरिकल लिखो, अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एफ्लुएंट कंटेनिंग 1 × 10⁻⁶ मोल पर लीटर ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई has 0.6 absorbance in a cell of path length in a cell of 1.0 the molar extinction coefficient कोफिशिएंट बताना तुम्हें ऑफ द डाई इज, ये बताना है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। ऑप्शंस दे दो, ऑप्शंस दे दो, करो आप सॉल्व में ढूंढती हूँ पाए ऑप्शंस में।
क्या क्या मैम को हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, एक मिनट कोशिश। मैम सेकंड। यस मैम। सेकंड है? यस मैम। मैम फाइव होगा है? माइनस कौन सा लग रहा है? सेकंड ही होगा। अच्छा मैम डी डी है शायद। क्या लग रहा है? डी लग रहा है। डी तो नहीं होगा मैम। टेन टू द पावर सेवन हो जाएगी ना ये तो? यस मैम। लीटर पर मोल। तो ये वाला ऑप्शन लगा के आओगे ना ऑल द बुक? ठीक है जी मैम। दूर है ये? ठीक है लेकिन माइनस में तो नहीं है ना बेटा? ऑप्शन में गड़बड़ है बट फिर भी ये लगा के आओगे ना? यस मैम। ईमानदारी से तो ये नहीं कि बस साथ देख लिया तो हाँ बस अंधाधुंध लगा दिया। माइनस का थोड़ा ख्याल रखो, इसमें और इसमें इतना फर्क नहीं जिसमें जितना इसमें और इसमें फर्क आ जाएगा है ना? यस मैम। क्या बच्चों चलो कल मिलते हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे? वाटर पॉल्यूशन। मैम कौन सा आंसर कौन सा है? फर्स्ट आपने फर्स्ट मार्क किया हुआ है। हाँ फर्स्ट ही है फिर क्योंकि 6 × 10⁷ आया है। अच्छा ये 6 भी तो इसके पास है। मैम उधर तो 4 है ना 10⁻। इसमें ना ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है लेकिन इसका ये आंसर होगा 6 × 10⁷ लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा ये भी तो पास है ना? ये तो और भी पास है। इसके ड्रॉप हुआ होगा ये क्वेश्चन मतलब दो इस बार भी दो क्वेश्चंस के आंसर ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब वो सभी को मिलता है फ्री के मार्क्स किसी का सही हो या गलत हो। मैम ये माइनस 7 माइनस में थोड़ी आएगा। 6 × 10⁷ होगा ना, माइनस 7 थोड़ी होगा। नहीं नहीं क्योंकि नीचे से ऊपर गया ना ये तो ये 7 ही होगा ना। हाँ जी बिल्कुल 7 ही होगा। ठीक है बच्चों बी आंसर बी आया इसका। हाँ मैम मेरा एच बोलो। मैम एचपीएलसी में मेरा थोड़ा छूट गया था वो दिखा दो स्क्रीन। एचपीएलसी बुक में दे रखा है जो तुम्हारे पास बुक है ना उससे ज्यादा पढ़ लेना। इसमें कहाँ गया वो व्हाइट बोर्ड भी मैंने हटा दिया। कोई बात नहीं मैम मैं कर दूंगी। बुक में दे रखा है बहुत अच्छे से ना आज ही पढ़ लेना। मैम कौन सी बुक? कौन सी बुक? जो नोट्स आपके पास है 2018 से।
अच्छा ठीक, उनमें तो करना ही होगा, उनमें नहीं है ना मैम, वो पढ़े मैंने सारे। कोई बात नहीं, गूगल से डाउनलोड करके पढ़ लेना, क्या हो गया, कितना सा टाइम लगता है, कर सकते हो ना। ये तो बहुत वो वाले टॉपिक होते हैं ये, कि बहुत कॉमन से होते हैं, ज्यादा ढूंढना नहीं है, तुम नाम डालोगे तो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगा, है ना। और समझना, कोई तुम्हें वहां सब्जेक्टिव पेपर के लिए तो प्रिपरेशन करनी नहीं है कि पैराग्राफ याद करना है, जस्ट प्रिंसिपल पता होना चाहिए तुम्हें कि कैसे वर्क करता है बस इन टेक्निक में, और कुछ ज्यादा तुम्हें ये पूरी वो पोथी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल सभी का पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है मैम। बाय, गुड नाइट, चलो फिर ठीक है।